हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जावियर स्पीकिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कहाँ है? गुस्से में बोलो। वही, मेरी बहन कहाँ है? व्हाट? ओ क्या व्हाट? मुझे ये बता, कहाँ लेके गया मेरी बहन को? कौन बोल रहा है? किसकी बहन? हो, मुझे अच्छी तरह पता है नायाब तुम्हारे साथ है। देख, अगर तू नायाब को लेकर मेरे घर नहीं आ रहा ना, तो मैं पुलिस को लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको किसने हक दिया कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें और इस तरह के इल्जाम लगाएं मुझ पर? मैं नायाब का भाई बात कर रहा हूँ। और कल तुम्हारी अम्मा हमारे घर आई थी और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा और नायाब का कोई चक्कर चल रहा है और तुम लोग एक दूसरे से मिलते हो यूनिवर्सिटी के बहाने। हमें सब पता है, हमें सब पता है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी मॉम ऐसा क्यों कहेंगी? वो तो नायाब को जानते भी नहीं है। और मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बहन का ही ख्याल कर लें। किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं आप? देखिए प्लीज, होश करें, पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी और नायाब की बदनामी होगी। वो लास्ट कहां थी? यूनिवर्सिटी कौन सी है उसकी? तुम्हें उसकी यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता? हेलो, बंद कर दिया। ये इतना बोला है कि इसको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता? और आपको कहा था सर, रोब से बात करो, जरा गुस्से से बात करो। आ रही हूं अम्मा। गुस्से में ही तो वो एक स्टूडेंट है, शायद यूनिवर्सिटी में रहेगी, उनका पता करने आया हूँ। कोई सीनियर है आपके? ये वाला कैमरा, ये इसको बड़ा करें। अरे वो रही, इस पे जूम करें जरा। हाँ यही है। ये किस तरफ गई है? सर इस तरफ तो वॉशरूम है। ये कहाँ है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? प्लीज जरा जल्दी खींचे, यहां जाना है। नायाब,
यू ओके? तानिया, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह करने से तुम जावियर का दिल जीत लोगी? दिल का तो मुझे नहीं पता माँ, पर मुझे ये जरूर पता है कि मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। कौन सा मकसद? आप तो जानती हैं मेरा एक ही मकसद है, जावियर से शादी करना। नहीं तानिया, तुम जावियर से शादी करना नहीं चाहती, तुम उसे सिर्फ हासिल करना चाहती हो। आप जो भी समझे, मोहब्बत और जिद में बड़ा फर्क होता है। मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, जबकि जिद पूरी करने के लिए इंसान हर स्याह और सफेद काम करने पर मजबूर हो जाता है। माँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं तो इसी बात पे बिलीव करती हूँ। इनफैक्ट निगी आंटी कहती हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सारा मेस जो है ना, निगी आंटी का क्रिएट किया हुआ है, उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रही है तुम्हें। Can we have the soup now? Are you okay? आपने गाड़ी क्यों रोकी? It's okay, relax. घर छोड़ के आए मुझे, मेरा सब इंतजार कर रहे होंगे। Relax, चले। नहीं 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 नहीं, आप गाड़ी चलाएं। मुझे पहली बहुत देर हो चुकी है, मुझे मेरी दादी बुला रही होंगी। नायाब, relax. मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? आ रहा हूँ एक मिनट। मुझे गाड़ी में अकेले छोड़ के क्या? पानी दोबारा नहीं जाऊंगी, दोबारा मैं नहीं पढ़ने जाऊंगी। दादी मैं आपके पास आ।